चाय और फैन खा रहे हैं, आप सभी खा लीजिए। आपको किसी भी परचूनी की दुकान पे मिल जाएगा। वैसे छोटे वाले ज्यादा बेटर होते हैं, मेरे पास बड़े वाले हैं। हमारे पास कोई ढंग की आ सकती है क्या? छोटे वाले ज्यादा बेटर होते हैं, आप छोटे वाले लेना। क्या जीरे का स्वाद आता है उसमें, लेकिन दांत के कीड़े में बहुत फंसते हैं, दर्द होता है। आप ये सब देख रहे होंगे, मैं लिखा है। और आपको सच सच बताऊंगा, मम्मी ने और मैंने आज तक आपको बताया नहीं है, मेरा नाम आराध्य, मतलब मेरा नाम राघव नहीं है, मेरा नाम आराध्य है। आराध्य शर्मा नहीं, आराध्य उपाध्याय, स्कूल का। मेरा निकनेम राघव है और राघव का भी निकनेम रघु है, मुझसे राघव कहते हैं, मतलब मेरा स्कूल का नाम आराध्य है। और ये चाय बहुत बेस्ट है, आओ पी लो। और आपको दिखाऊंगी, मैं 7 साल का हूँ, मैं जो 7 साल का हूँ और मेरा देख लिया होगा दांत टूट गया। एक बात बहुत होने ये कैमरा है ना, इसमें कैमरा जितना पूरा है भी नहीं, उससे भी पूरा आता है। जिसको मेरे मुँह से टेबल सुनना हो कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट सेशन सेशन टाइम क्या होता है। और हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो जल्दी उठना चालू कर दो, क्योंकि बाबा रामदेव के लोग ना सुबह उठ के सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। जल्दी उठा करो, 5 बजे बाबा रामदेव के लोग होते हैं ना, वो तो सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं जल्दी उठ के, इसलिए आप लोग भी जल्दी उठा करो। और आज हम घूमने आए हैं अम्बालेश्वर, ये हमारा घर नहीं है, किसी और का घर है, किराए पे रह रहे हैं हम, देख लीजिए। हमारे घर पे जंगला है ना, नहीं है, ये सामने वाला घर है, नहीं है, और राघव है इस घर पे, नहीं है, मम्मी है, हैं, देखो पगले, रखो इसको। राधे राधे फ्रेंड्स, आज आपने देखा वीडियो की स्टार्टिंग की थी राघव ने, मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे बाद में पता चली, मैं अपनी चाय रख के चली गई थी, कल के जो ब्लॉग कल था ना उसी के आगे का ब्लॉग है ये, तो मैं चाय रख के चली गई थी, मुझे नहीं पता था ये, मतलब इसने कैमरा तो मैं चालू कर ही गई थी, मैंने कहा मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी बातें करूँगी, लेकिन ये अपनी ही बातें करता रहा, फिर इतना अच्छा लगा, मुझे भी हंसी आने लगी, तो फिर मैंने इसको डिलीट नहीं किया, मैंने चलो इसने की है मेहनत तो इसकी भी आज लगाते हैं, स्टार्टिंग इसी से करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा आलू का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है, मैंने बताया था चाय पी है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कुछ, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हलवा लेके फिर दवाई लेते हैं। उसके बाद शाम का टाइम है, शाम की चाय वाय भी हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाए हैं सामान, और बहुत सारा सामान है, इसमें घी है 5 किलो और 10 किलो चीनी है, और ये मैदा है 5 किलो, और छोले बाकी और जो मसाले वगैरह वो हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह ये है। तो इतना सारा सामान किस लिए आया है मैं आपको बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखूँगी। हम बनवाने वाले हैं घेवर, तो हलवाई से ही बनवाएंगे, घर पर ही बनवाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन है, और बाज़ार की मिठाई थोड़ी सी इन दिनों शुद्ध नहीं मिलती है, और आपको पता है मैं ज़्यादातर ऐसी, मतलब जब भी कोई ज़्यादा चीज़ बनती है तो मैं हलवाई से घर पर ही बनवाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर हो जाती है, मैं भी सीख लेती हूँ, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर सब आज तैयारी इन्होंने करके रख दी है, तो कल बनेगा घेवर, तो देखती हूँ कल की वीडियो में वो आपके साथ पहले घेवर की रेसिपी हो सकता है शेयर करूँ,
तो बस यहाँ पे जो रिफाइंड ऑयल था ना, मैं सच बताऊँ मैं पाउच मंगाती हूँ रिफाइंड ऑयल के, तो जो भी हम मंगाते हैं तो उसको बस पाउच ये थोड़ा सा किफ़ायत में पड़ जाता है। बोतल में हर बार नहीं मंगाती हूँ, एक बार दो बार बोतल आ गई फिर उसी में हम पाउच खाली कर लेते हैं। तो जैसे कि रिफाइंड ऑयल आ गई तो मैं इसकी कट कर करके खाली कर लूँगी सारे पाउच को डिब्बे में, जिससे कि फैलने से कभी कभी होता है कि चुहिया वुइया मार जाती है मुँह तो पूरा फैल जाता है। तो बस ऐसे ही कर रही हूँ, यहाँ पे चीनी के डिब्बे में खिला दूँगी। और जो भी सामान है जो मुझे नहीं खाली करने से, मैदा कल चाहिए होगी और ड्राई फ्रूट वगैरह है वो कल चाहिए होंगे, तो मैं एक साथ साइड रख दूँगी जैसे कि कल ढूंढना ना पड़े सारा सामान, हलवाई आए तो वो अपना बना ले ईजी से। तो बस यहाँ पे सारा सामान सेट हो जाएगा। और ये गरम मसाला भी मैंने मंगाया था, गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो मुझे हो गए बहुत दिन हो गए, मुझे कमेंट आया था कि आप गरम मसाले की रेसिपी शेयर करना क्या क्या डालते हो। तो देखिए मैं हमेशा गरम मसाला जो खड़ा ही मंगाती हूँ, लेकिन जब था मेरे पास अभी मैं ख़त्म हो गया तो मैंने कहा चलो बना रही हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं गरम मसाले में, ये है बड़ी पीपल है और दालचीनी है, ये देखिए ये दालचीनी है और जायफल होता है, लौंग, काली मिर्ची और ये और एक और चीज़ होती है क्या, हाँ बड़ी इलायची और एक जो लाल होता है ना इसको शायद क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये भी है। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मेरे घर में एक्स्ट्रा कभी कभी ऐसा होता है कि लौंग बच रही हैं, वो जब हम नौदरगो मंगा लेते हैं वो बच जाती है ना बिना फूल वाली, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। या थोड़ा सा जीरा और ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा गीला अभी थोड़ा वैसा है ना, मौसम बारिश का हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा तवे पर फ्राई करके तब फिर इसको मैं पीस लूँगी। तो गरम मसाला यही है। और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि आज आपको पता है फास्ट है तो व्रत वाली सब्ज़ी बनेगी, और मतलब व्रत वाली नहीं बनेगी तो ये, लेकिन बिना प्याज लहसुन की। तो इसमें मैंने टमाटर लिए हैं और 10 से 20 काजू लिए हैं, अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची, तो इन सबको मैं एक साथ पीस लूँगी। काजू को मैंने थोड़ा सा पहले गला दिया था गर्म पानी में, थोड़े फूल गए थे तो अच्छे से पिस गए थे, तो बस वो ग्रेवी तैयार हो गई है। यहाँ पे पनीर लिया है, पनीर को मैं करूँगी पहले फ्राई। तो पनीर को जब भी आप फ्राई करें हमेशा ध्यान रखें कि पनीर को फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम सिम नहीं होना चाहिए, गैस तेज़ होनी चाहिए, फुल पे होनी चाहिए, नहीं तो पनीर जो है ना एकदम चीचर जैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो तेज़ पे भूनते हैं तो वो टाइट नहीं रहता है और अच्छा कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पे पनीर हमारा हो गया है फ्राई और इसको मैं निकाल देती हूँ। वैसे आप चाहें तो पनीर को ऐसे भी डाल सकते हैं बिना फ्राई किए, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं फ्राई करके डालूं तो मैंने फ्राई कर लिया, बाकी ऑप्शनल है आप जैसा भी चाहें डाल सकते हैं। तो वैसे मैंने उसमें से ऑयल निकाल दिया है और एक चम्मच में घी ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था मैंने सब्जी के लिए, घी ले लिया है। उसके बाद थोड़े से खड़े गर्म मसाले जैसे कि काली मिर्च, एक लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और जीरा, ये डाल दिया है। ये जब भुन जाएगी तो इसमें हमने जो ग्रेवी तैयार की थी ना टमाटर, काजू और ये सब की, तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो काजू हमने इसलिए इसमें डाले हैं कि जिससे जो ग्रेवी है ना, जो हम प्याज डालते हैं तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो काजू वो हमारा काम करेगा और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो काजू से ग्रेवी हमारी गाढ़ी होगी। तो इसमें डाल दे रहे हैं हमने, थोड़ा सा मैं जो मेरे जार है उसको धो के भी डाल दूँगी। यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है कलर के लिए, और थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्ची तो अपना टेस्ट होता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। तो मैंने डाल के इसको भून लिया था थोड़ा सा, मतलब ग्रेवी को अच्छे से पकाना है हमें जब तक कि ऑयल सा न दिखने लगे ऊपर, इतना हमें पकाना है। तो बस यहाँ बीच बीच में चलाती जा रही हूँ क्योंकि काजू की वजह से ना मसाला चिपकने लगता है, इस वजह से बीच बीच में चलाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा भुन गया है, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम पानी। और तो ये थाली में हो गया था, चिपक गया था ना, तो मैं इसी को धो के थाली को थोड़ा सा पानी इसमें कर दूँगी। और अब इस पानी को जब तक हम पकाएंगे जब तक एक बॉयल ना आ जाए, तो बॉयल आने देंगे और जो हमारे काजू की काजू से ना ग्रेवी गाढ़ापन आएगा, इस वजह से अभी थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम एक चम्मच चीनी, चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको पसंद हो फ्लेवर तो आप करिए, मेरे घर में तो पनीर की सब्ज़ी में चीनी ज़रूर पड़ती है, चाहे थोड़ी पड़ती है लेकिन पड़ती ज़रूर है। तो चीनी डाल दी है और नमक मैंने डाल दिया था, वो मतलब क्लिप मिस हो गई है, तो नमक भी हम डाल देंगे।
उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर डाल करके भी हम 2 से 4-5 मिनट तक हम थोड़ा सा ढक करके इसको पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से सारे मसाले एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएं, पनीर में अच्छे से मिल जाएं और पनीर की ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। देखिए सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बन के हो गई है तैयार। बस उसके बाद मैं सेकूँगी पराठे, अपने लिए पराठे सेकूँगी, बाकी सबके लिए रोटी। तो बस यहाँ पे देखिए थाली लग चुकी है, सब ने खाना खा लिया है। ये मेरी प्लेट है, खीरा है, मुझे पनीर की सब्ज़ी के साथ खीरा और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है इनको भी, तो मैं बस अपनी प्लेट लगा ली है। अब मैं अपना मतलब जो है व्रत खोलूँगी। सब लोग खा चुके हैं खाना, पापा, मम्मी, भैया, भैया तो खैर नहीं, बच्चे और भैया का नाम आ जाता है क्योंकि हमेशा से साथ रहते ना। और हाँ, मुझे एक किसी ने पूछा था, वो बहुत कमेंट कर रही थी कि आपके देवर कहाँ है, आपके देवर कहाँ है। वैसे मैंने उनको कमेंट में बता दिया था, तो देवर जो है नोएडा रहते हैं, नोएडा अपना जॉब कर रहे हैं, इस वजह से वो वीडियो में नहीं देखते हैं। भाई जब है नहीं तो मैंने कहाँ से दिखाऊँ, वही चीज़ हो गई ना। तो बस मेरा जो व्रत खोल लेती हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी कल के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए अभी आज तो वो लेट आएंगे, तो खाना पीना उनका अपना खा के ही आएंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चने, कावली चने, क्योंकि कल सोच रहे छोले भटूरे बना लेंगे, तो रात में अपना डाल के रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने चने गलाने के लिए डाल दिए हैं और मुझे दही भी जमाना है, तो दूध मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया था, जब भोग भोग के लिए किया था ना तभी मैंने गर्म करके रख दिया था। और यहाँ पर बस जामुन लगाना है, तो ये मैंने कर लिया है दूध और इसमें लगा देंगे जामुन, तो जो है हमारा काम पूरा हो गया है, फिनिश। छोले भी मैंने ना अभी पॉलीथिन में ही है, क्योंकि अभी मंगाए थे आज, तो मैंने अभी छोले खाली नहीं किए हैं डिब्बे में। बस दूध थोड़ा सा ठंडा हल्का सा ऐसा हो गया है, सहता हुआ उंगली, उसके बाद डाल देंगे इसमें जामुन, अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये भी क्या बता रही हूँ मैं, है ना। तो बस इसको रख देते हैं, अभी तो गर्मियाँ हैं, तो वैसे भी गर्मी में 2-3 घंटे में दही जम जाता है, ऐसी कोई सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है दही जमाने में। तो बस यहाँ पे अभी किचन हमारी हो गई है साइड, ये दूध रह गया, इसको मुझे फ्रिज में रखना है, बाकी सारे काम ख़त्म, काम बच चुका है पूरा। और ये देखिए आज कपड़े यहाँ, ये पूरा वहाँ तक, इधर ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये और यहाँ यहाँ पूरे में कपड़े कपड़े हैं आज। इस वाले रूम में भी कपड़े कपड़े हैं, इस वाले रूम में भी, ये देखो मैंने यहाँ डाल रखे हैं, कुछ अंदर वाले रूम में डाल रखे हैं, पूरे घर में आज कपड़े कपड़े हो रखे हैं। तो बस काम निपट चुका है और अब होगी सोने की तैयारी, और जो गेस्ट आने वाले थे वो आएंगे अब 2:30 या 3 बजे सुबह के, अब पता चले कितने बजे, ट्रेनों ट्रेन की लेट थी इस वजह से, वैसे वो आ जाते 6-7 बजे आ जाते शाम को, लेकिन अब आएंगे वो 2 या 3, तो ये लेने जाएंगे, अलार्म लगाना पड़ेगा उस टाइम का। वैसे तो कभी कभी नींद नहीं आती है ज़्यादातर, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जब हमको कोई काम होता है तो तब आँख ज़रूर लग जाती है, तो अलार्म लगाऊंगी मैं, और क्योंकि भाई लेने जाना है ना, तो टाइम से थोड़ा सा ये रहेगा कि मेरी ना खांसी सही नहीं हो रही है, अभी बहुत अजीब सा हो रहा है। और बच्चे अंदर के कमरे में, इनके पापा के पास में, दोनों ऊधम कर रहे हैं, छोले डाल दिए हैं मैंने, और सारे काम हो गए, मतलब ये है, कपड़े बट भी सूखे नहीं हैं क्योंकि गीले हैं, बरसात का मौसम है, पर हाँ पानी वानी भी नहीं आया। तो चलिए, क्या हुआ, छोला फेंक के माला, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? So funny. मेरी कार टूट गई, चलो चलो टूट जाना बढ़िया। अच्छा चलिए वीडियो को अब एंड कर देते हैं, यहीं पे मिलते हैं आपसे कल नई व्लॉग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, मेरे बेटे झूले नहीं आ जाना, गुड नाइट, गुड नाइट बोल दे, हाँ ठीक, लेकिन सुना है, सुना जिसको भी मैं बहुत क्यूट लगता हूँ ना, मेरे बर्तन जो नहीं आ जाना, नहीं 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 उसको नहीं, उसके भी मैं पैर पड़ूंगा। अच्छा। और जो जिसको मैं क्यूट नहीं लगता वो मेरे बर्तन धोने आ जाना, मेरे बर्तन धोने आ जाना। चलिए तो बस वीडियो को एंड कर देते हैं, लाइट कर देते हैं बंद किचन की भी, गुड नाइट, राधे राधे, बाय 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 बाय।